छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सुरक्षा को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा दिए गए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला सहित कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गोवा में महिलाओं के प्रति अपराध का औसत देश में सबसे ज्यादा है, वहाँ महिलाओं की स्थिति बदतर है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सनातन धर्म के बारे में कांग्रेस को शिक्षा देने के बजाय भाजपा आत्म अवलोकन करे। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार में तीन तीन मंदिर तोड़े गए हैं। मित्रों, इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है। तथ्य नहीं, आंकड़े नहीं, कोई फैक्ट नहीं, जुबानी आरोप लगाकर प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक छत्तीसगढ़ आते हैं, जुबानी आरोप लगाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। साथियों, इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आ रहे हैं, सबके सब सिर्फ झूठ की खेती करना चाह रहे हैं। पहले ईडी को भेजा, आईटी को भेजा, इसके माध्यम से राज्य सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की। जब इसमें सफल नहीं हुए, उल्टे भारतीय जनता पार्टी की छवि जनमानस में खराब हुई। ईडी और आईटी को भेज के छत्तीसगढ़ की जन कल्याणकारी सरकार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो अब प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आके गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तथ्यहीन आरोप लगा रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी तो झूठ बोलने की एक सीमा को और पार कर गए। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद के लिए झूठ शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री G20 के बारे में जो दावा करके गए, उसके बाद इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना हम सबकी मजबूरी हो जाती है। पहले प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उसके बाद JP नड्डा आते हैं वो झूठ बोलते हैं, उसके बाद पीयूष गोयल आते हैं, राज्य की खाद्य वितरण प्रणाली पे सवाल खड़ा करके झूठ बोल के जाते हैं, और आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आए, आते ही बेसिर पैर और तथ्यहीन बातें करके गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से लेके पीयूष गोयल तक छत्तीसगढ़ में झूठ की खेती करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इनके झूठ को बेहतर ढंग से समझती है। एक तो 86 लाख मीट्रिक टन की बात करके उसको घटा के 61 लाख करते हैं, 3.5 लाख गठान बारदाने की घटा के उसको 2.5 लाख करीब करते हैं। इस वर्ष हम 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने जा रहे हैं, हमें बारदाना भी ज्यादा आवश्यकता है, हमारे पास चावल ज्यादा होगा। ऐसे में मदद करने के बजाय आप राज्य सरकार की टांग खींचते हैं और यहाँ पे आके झूठ भी बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ की जनता इसको बेहतर समझ रही है, देख रही है। नरेंद्र मोदी, प्रमोद सावंत और JP नड्डा तीनों ने सनातन धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें की और सनातन धर्म पे संकट पैदा हो गया है, इस प्रकार की बातें छत्तीसगढ़ में आके की। भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। जो प्रमोद सावंत छत्तीसगढ़ में आके सनातन की बात कर रहे थे, उन्हीं प्रमोद सावंत की गोवा की सरकार ने 3 बड़े बड़े ऐतिहासिक मंदिरों को गोवा में तोड़ा, जिसके कारण गोवा बंद की भी स्थिति बनी। वो प्रमोद सावंत छत्तीसगढ़ में आके भूपेश बघेल को सनातन धर्म की शिक्षा दे रहे थे, उस भूपेश बघेल को जिन्होंने माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, उन भूपेश बघेल को 15 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनगमन पथ को भुला बैठी प्रति, उस भगवान राम के वनगमन पथ को संवर्धित करने का काम 2000 किलोमीटर से अधिक भूपेश बघेल जी ने किया। 5-5 जगह भव्य विशाल भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करवाने का काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के सभी नगर निकायों में, चाहे नगर निगम हो, नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, हर जगह कृष्ण कुंड की स्थापना भूपेश बघेल ने की। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता कौशल्या का काम करने वाले श्री भूपेश बघेल को सनातन धर्म की शिक्षा देने आए थे प्रमोद सावंत, नरेंद्र मोदी और JP नड्डा। भारतीय जनता पार्टी यह जान ले कि भूपेश बघेल से बड़ा सनातनी भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है।